हेलो जी, नमस्कार। तो जी, आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ टमाटर के पकोड़े। अच्छा, सूरत में बड़े फेमस है ये। डुमस रोड के एंड पे चले जाएंगे आप तो वहाँ मिलते हैं। वहाँ पे सूरम के, बैगन के और टमाटर के पकोड़े मिलते हैं, बड़े फेमस है। तरह से टमाटर लेके सीधे बना लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें इनोवेशन करूँगा ताकि आपको और मज़ा आ जाए। ये टमाटर की आँख, जिससे ये टमाटर मुझे देखता है, इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, ये टमाटर की आँख, ये तो चार टमाटर ले लिए अच्छे साइज के। इसके पकोड़े बनाएंगे, ठीक है। घर पे आप जब बनाएंगे, मुझे लगता है बहुत सारे बनाने पड़ेंगे। तो आँख निकाल दी, पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, ब्लांच कर रहा है मुझे। ठीक है, पीछे से भी दाग मार देते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये लीजिए, ऊपर से तो निकल ही जाएगा, लेकिन फिर भी मेकिंग इट ईजियर। ठीक है जी, ब्लांचिंग के रूल्स। टमाटर रख दिए, अब बेसन का घोल बना लेते हैं, बैटर यानी। ठीक है जी, तो बेसन ले लेते हैं, 1 कप बेसन काफी हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ ये काफी है। चलिए, ये आधा छोटा चम्मच अजवाइन की डाल दें, हल्दी आधा छोटा चम्मच, करारा बनाएंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च एक छोटा चम्मच ये डाल लेते हैं। ठीक है, गिलास रख दिया, अब पानी डाल के गाढ़ा सा बैटर बना लेता हूँ। पानी आप अपने हिसाब से डाल लें। और इसमें, अरे इम्पोर्टेंट चीज़ तो हमने डाली नहीं भाई, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। भाई मज़ा नहीं आएगा ना, तो नमक शमक टन 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 टन, ये कर लीजिएगा। ये मैंने कर लिया यहाँ पे। चलिए, बैटर रख दिया, पानी गरम, टमाटर डाल देते हैं इसमें, ब्लांच करेंगे हम। जो तैयारी है वो मैंने करके रखी है। ये जो पकौड़े मैंने खाए हैं सूरत में, इसमें आलू स्टफ होता है। ठीक है जी, और आलू आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। ऐसे बोंडा जैसा लगते हैं या अंडे के पकौड़े की तरह लगते हैं, अंदर दो अलग अलग चीज़ें देखने मिलती है, बहुत ही यूनिक है, खाने में बड़े मज़ेदार होते हैं। तो ये आपके लिए बन रहे। बॉयल्ड आलू की तैयारी है मेरे पास, लेकिन मैं थोड़ा सा सौते करूंगा आलू को। ठीक है ना, वो करेंगे तो मजा आएगा। चलिए, ये टमाटर को हल्की से गर्म पानी में आपने थोड़ी देर रखना है, लगभग मतलब पानी खौले, आपने टमाटर डाला, 1 मिनट में निकाल लीजिएगा ठंडे पानी में। ठीक है, यहाँ पे टमाटर के छिलके निकाल लेने हैं। ये इसलिए निकाल लेने क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ऐसे छिलके निकाल लेंगे तो पकोड़े बहुत बेहतरीन बनेंगे। ठीक है, तो ये छिलके निकाल देते हैं, इसीलिए ब्लांच किया हमने इनको। चलिए, ये टमाटर हमने निकाल दिए। अब पता होटलों में क्या करते हैं, ये जो स्किन्स है इनको ड्राई कर लेते हैं, तो कभी कभी ड्राई करके इनकी गार्निश बना लेते हैं। इस तरह से बढ़िया खड़े रहते हैं ये, होटलों में हम एज शेफ्स किया करते थे, या फिर इनको ड्राई करके इनका पाउडर बना लेते थे, टमाटो पाउडर। तो कोई भी चीज खराब नहीं करते थे। अब स्टफिंग बना लेते हैं, उसका मिक्सर की तैयारी कर लेते हैं। तेल ले लेते हैं, 1 चम्मच तेल, इसमें डालेंगे अदरक, हरी मिर्चें, 2 हरी मिर्चें, जीरा, ये थोड़ा सा ये भी डाल लेते हैं। ठीक है जी, एंड ये सौते कर लिया, आलू मैश कर लेंगे, आलू नमक नमक चमक करिए घर पे। ठीक है जी, और साथ ही साथ अब हल्दी, ये आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च 1/4 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर मैं डाल रहा हूँ, ऑप्शनल है, आधा छोटा चम्मच डाल दें, आमचूर पाउडर आधा छोटा चम्मच, चाट मसाला आधा छोटा चम्मच, 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, ये डल गया। सारी चीज़ें डालने के बाद मिक्स करें, मिक्सचर तैयार, मिक्सचर प्लेट में निकाल लें। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल लें। ठीक है, प्लेट में निकाला है, बोल में नहीं निकाला,
ताकि ये थोड़ा ठंडा हो। अब इसमें ग्रीन पीस, ये सब चीज़ें ये वाले मिश्रण में डाल सकते हैं। मिश्रण बढ़िया बन गया, इसको रख। चलिए टमाटर ले लेते हैं। टमाटर को क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। टमाटर इस तरह से ऊपर से काट लेना, ठीक है, ये काट लेना है। छोटा चम्मच लेके आपने या छोटा नाइफ लेके आपने पूरा अंदर का पल्प निकाल लेना। अब ये जो टमाटर है इसको स्टफ कर लें अच्छे से और एकदम पैक कर दे, ठीक है। थोड़े से फटेंगे तो भी चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। ये वाह, ये लीजिए टमाटर हो गए पैक। चलिए तेल हमने गरम करने रख दिया, तेल एकदम गरम हो जाएगा तो हम पकोड़े तल लेंगे, यानी टमाटर के पकोड़े तल लेंगे। ये रहा बैटर, इसे वापस अच्छे से विस्क कर लेता हूँ। बुलबुले से आने चाहिए, देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थोड़ी गाढ़ी, ठीक है, ताकि टमाटर को अच्छे से ये बैटर चिपके। तो आपने क्या करना है, एक एक टमाटर डालना है, बैटर इस पर लपेटना है। आह क्या बात है, ये देखिए अच्छे से लगा लेना है सब तरफ, स्पेशली जहाँ आपने आलू भरे वो तरफ आपने ध्यान रखना है। और बैटर लेके ये इस तरह से डाल दे, ये हो गया बढ़िया, और पलट भी, ये वाह क्या बात, ये चीज बढ़िया फ्राई हो रहे हैं टमाटर के पकोड़े। मैं हाथ धोना नहीं चाहता हूँ एक्चुअली, कुछ करेंगे बढ़िया काम, आपको भी बताएंगे। ये हाफ फ्राई करके निकाल लेते हैं, ये देखिए वाह क्या बात है, क्या बढ़िया लग रही है। अभी इनको मैं बढ़िया तरीके से ब्राउन कर लूँगा, ठीक है। तेल को थोड़ा गर्म कर लेंगे, लेकिन उसके बीच में मैं एक कुछ काम करूँगा ताकि मैं अपने हाथ धो लूँ बाद में। आपको मज़ा आना चाहिए राइट, टमाटर के पकौड़ों के साथ कुछ ऐसा करेंगे कि आपको मज़ा आए, ऐसा कुछ सेव बना देंगे कि आपको बहुत मज़ा आए। बैटर बच जाए तो क्या करेंगे, कुछ तो बढ़िया करना चाहिए, तो मैं भी वही कर रहा हूँ। चलिए ये बढ़िया मैंने फ्राई कर लिया लेफ्ट ओवर बैटर को, है ना, क्रिस्प मज़ेदार। ये आपको बताना था मैंने, इसलिए मैंने ये इतना सा काम कर लिया। चलिए तो आपने सीख लिया आज लेफ्ट ओवर बैटर के साथ क्या करना है। मैं इस पर चाट मसाला डाल लेता हूँ, ठीक है, करारा बनाने के लिए। तो इसे लाल मिर्च पाउडर, आहा ये पकौड़ों के साथ सर्व करेंगे, वाह। इसको रख देता हूँ, अब यहाँ पे तेल गर्म हो गया है, ये जो पकौड़े हैं इनको फ्राई कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। चलिए अब ये पकोड़े निकाल लेते हैं, बढ़िया क्रिस्प हो गए, वाह ये निकाल लिए हमने पकोड़े। अब इनको काट लेते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। ये पकोड़ा ले लिया, काटने के लिए थोड़ा सा टिश्यू रोल या नैपकिन का सपोर्ट ले लें, ठीक है, ये काट लें, वाह क्या बात है। अब इसको आप और छोटा करना चाहें और छोटा कर सकते हैं, मैं इस तरह से यहाँ प्लेट में रख लेता हूँ, ये क्या बात, ये हो गया पकोड़े। इसमें जो भी चटनी डालनी है आप डालें, ये थोड़े से ये क्रिस्पीज मैंने फ्राई किए हैं ये डालें, ये क्रिस्पीज यहाँ रख देते हैं, ठीक है, साथ में आहा क्या बात, थोड़ा सा मसाला। पंजाबी में हमेशा कहते हैं पकोड़े हो तो करारे होने चाहिए, मजा आना चाहिए राइट, तभी आप खा पाएंगे, वाह। ये लीजिए भाई, इस बारिश में टमाटर के पकोड़े, या कभी सर्दी पड़े तो टमाटर के पकोड़े, या कभी कोई पार्टी हो तो टमाटर के पकोड़े। अब पकोड़े मेरे अंदाज में बिल्कुल अलग हटके,